अस्सलाम वालेकुम वजीद नाजरन आप तमाम का एम के डिवीजन में खैर मकदम है नाजरीन जैसे कि आप बखूबी वाकफ़ थे कि आज वेस्ट बंगाल केरला पुंडुचे तमिलनाडु आसाम के इलेक्शन का रिजल्ट था और हर कोई बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था जहाँ फिर एक बार दीदी दो सौ नौ सीटों से आगे चलती नज़र आ रही है जिसमें ऐसा लगता है कि फिर एक बार दीदी अपनी हुकूमत वेस्ट बंगाल में बनाएगी वहीं पर बीजेपी ने बड़े बड़े बातें और दावे किए थे जो कि 80 सीटों पर सिमट कर रह गई नाजरीन मैं इसी तरीके से तमिलनाडु का भी आपको बता दूं कि तमिलनाडु में डी के एक बार फिर 151 सीटों पर आगे चलते हुए नज़र आ रही है वहीं पर ए आई के बयासी यानी कि एटी सीटों पर आगे चलती नज़र आ रही है और उसी के साथ एम एम एक सीट और दीगर तो अभी तक खाता ही नहीं खोल पाए वहीं पर केरला की बात करेंगे तो एल 99 सीट पर आगे चल रही है और यू 41, बीजेपी और दूसरी जमातों ने अभी तक वहाँ पर खाता भी नहीं खोला पौडिचेरी की अगर बात करेंगे तो बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस पाँच और दूसरे जमाते एक वहीं पर आसाम की बात करेंगे तो बीजेपी 73 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 50 सीटों पर आगे चल रही है और दीगर जमाती तीन तीन सीटों पर आगे चल रही है ऐसा लगता है कि पॉडीचेरी और आसाम में बीजेपी की जीत पक्की है तमिलनाडु केरला वेस्ट बंगाल में वहाँ के लोकल पोलिटिकल पार्टीज़ की जीत नज़र आ रही है वही